हमारे चार जूता मान लो कुछ ना कर दो हमका इससे अम्मा बात सुनो बात तो करे दो हमका। अच्छा एक चीज यू बताओ आप। जय मसीह दोस्तों, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। दोस्तों अभी आपने एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखा, मैं आपको पूरा फुल वीडियो दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो को देखा, यहाँ पर एक रूम के अंदर चर्च हो रहा था, प्रार्थना हो रहा था, आराधना हो रहा था और वहाँ पर एक पास्टर आए हुए थे। तभी वहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पर घुसा उस रूम में और वहाँ पर चर्च जब होते हुए लोगों ने देखा तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया और वहाँ पर लोगों ने पास्टर के साथ क्या किया, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। हमारे चार जूता मान लो कुछ ना कर दो हमका इससे अम्मा बात सुनो बात तो करे दो हमका। अच्छा एक चीज यू बताओ आप सबको सुनो सबको सुनो मेरी बात सुनो अच्छी लगी आपको लोगों अच्छी लगी जो बताओ कभी आप मुस्लिम परिवार में गए हो क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए ये बताइए आप हमको कभी मुस्लिम परिवार में आप क्यों नहीं गए क्या वहाँ भूत बलाए नहीं कब एक मिनट दादी आप माता जी तुम शांत रहो बैठा बात करने तो खाली बात करे तो पहले आप कभी मुस्लिम परिवार में नहीं गए एक भी मुस्लिम को ईसाई नहीं बना पाए कभी सिख परिवार में मेरी बात कभी सिख परिवार को आप ईसाई नहीं बना पाए ये हमारा हिंदू समाज ही बचा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा कि कैसे यहाँ पर जो चर्च हो रहा था, जो प्रार्थना हो रहा था, जिस रूम में आराधना हो रहा था, वहाँ पर कुछ बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पर घुसा और वहाँ पर पास्टर को धमकाने लगे। पास्टर को जो है बहुत से बातें सुनाए, बहुत से बातें बोले और पास्टर वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर देखते रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ उन लोगों को कहे नहीं। और बजरंग दल के लोग पास्टर को बहुत से बातें सुनाए। अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पास्टर को जो है लोग धमका रहे थे, कैसे पास्टर को बोल रहे थे और बोल रहे थे चल अभी इसी वक्त यहाँ से निकल और यहाँ से जल्दी निकल। और पास्टर का हाथ लोग पकड़े, पास्टर का जो है वहाँ पर बहुत बदनाम किए, पास्टर को बहुत से बातें बोले और पास्टर वहाँ पर चुपचाप देखते रहे। पास्टर के साथ एक महिला थी, जो बूढ़ी महिला थी, उन्होंने बोला कि आप इनको कुछ मत बोलिए, आप हमें जो करना है हमारे साथ कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने नहीं माना, वहाँ पर पास्टर को बहुत से बातें सुनाई, बहुत सा अपमान किया और वो पास्टर चुपचाप खड़े होकर देखते रहे, सुनते रहे और बोले कि भाई साहब कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर बजरंग दल की जो हरकत मैंने देखा और आपने भी इस वीडियो में देखा, ये हरकत बताती है कि ये जो है एक गुंडागर्दी का निशानी है। ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन आम लोगों का जीना हराम कर देंगे ये लोग, जिस हिसाब से ये लोग हरकत कर रहे हैं। और जो काम पुलिस का है, जो काम कानून का है, जो काम पुलिस वाले करते हैं, जो काम पुलिस वालों को करना चाहिए वो ये काम कर रहे हैं, वो पुलिस वाले का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो है ये लोग जो है अपने आप को कानून का जो है भी मजाक कर रहे हैं और जो है पुलिस वाले का भी मजाक कर रहे हैं और साथ में उस राज्य की सरकार का भी अपमान कर रहे हैं, जो कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मैं उस राज्य की सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि वो इन चीज़ पर एक्शन ले और ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाए ताकि ये लोग अपनी मर्जी से किसी को परेशान ना कर सकें। सबको इस पृथ्वी पर जीने का हक है, सबको इस पृथ्वी पर जो है अपने अपने मर्जी से अपने अपने जो है भगवान का जो है प्रार्थना करने का, आराधना करने का हक है और ये हक किसी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये हक भगवान ने दिया है। तो आपने इस वीडियो को देखा, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे।